तो हम चर्चा करने वाले हैं द्रव गुण मॉडल के ऊपर। किस पे चर्चा करने वाले हैं? द्रव गुण मॉडल। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि द्रव गुण मॉडल है क्या चीज है, ठीक है? तब इसमें क्या होता है कि द्रव की बूंद होती है। एक क्या होती है? द्रव की बूंद होती है। इसका हम क्या करते हैं? न्यूट्रॉन की बमबारी करवाते हैं। इस पे हम क्या करते हैं? न्यूट्रॉन की बमबारी करवाते हैं। न्यूट्रॉन पे बमबारी कराने की वजह से ये इसका अवशोषण करने लगता है और ये बूंद इस टाइप से बन जाती है। बूंद कैसे हो गई? इस टाइप से हो गई। उसके बाद क्या होता है कि इस बूंद के अंदर फ्लक्चुएशन आने लग जाते हैं और ये बूंद इस टाइप की होती है, इस टाइप की डंबलाकार आकृति ले लेती है। ये बूंद किसकी आकृति ले लेती है? डंबलाकार आकृति ले लेती है। डंबलाकार आकृति लेने के बाद ये बूंद दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है। कैसे हो गई? देखो, दो पार्ट में ब्रेक हो गई और उसके बाद ये अलग अलग दो बूंद बना देती है। ये हुआ एक बड़ा पार्टिकल, दो छोटे पार्टिकल से टूट गया, ठीक है? क्या करा? एक बड़ी बूंद ली, उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी करवाई जिसकी वजह से इसने अवशोषण किया। अवशोषण के बाद ये थोड़ा सा अंडाकार हो गई और उसके बाद ये क्या हुई? टूटने की वजह से ये डंबलाकार आकृति में हो गई। डंबलाकार आकृति में होने के बाद इसमें और फोर्स लगा तो ये कैसे हो गई? दो पार्ट में ब्रेक हो गई और ब्रेक होने के बाद इनका अपना खुद का मॉडल इन्होंने दे दिया। नोट कर लीजिए इसको, इसको हम बोलते हैं द्रव गुण मॉडल। इसे आप अपनी भाषा में रूपांतरित कर सकते हैं, इसे नाभिक का टूटना भी बोलते हैं। अगला टॉपिक डाल दीजिए नियंत्रित व अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित व अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है? इसे हम समझा रहे हैं। नियंत्रित व अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? पहली बात तो श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? श्रृंखला अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जो स्वतः ही चलती जाती है। जैसे कि हम देखते ना हमारे जयपुर के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, तो ये सब श्रृंखला अभिक्रिया पर ही डिपेंडेंट है। हिरोशिमा नागासाकी में ऐसा कोई ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से गैसें रिसाव हुआ था और गैसें रिसाव की वजह से वहाँ के पूरे वायुमंडल के अंदर इतनी बुरी तरीके से वो गैस फैली हुई है कि वहाँ अभी भी अपंग बच्चे पैदा होते हैं या वहाँ की जलवायु ऐसी है कि वहाँ जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है या वहाँ की जलवायु में जब भी कोई रहता है तो वो कैसा हो जाता है? शारीरिक विकृति से रूपित हो जाता है। तो यही प्रकार की कुछ बॉम्ब ब्लास्ट चीज़ें हैं वो नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर डिपेंडेंट होती है। होता क्या है देखिए कि ये यूरेनियम 235 करवाई जा रही है न्यूट्रॉन से करवाई जा रही है, ठीक है? तो न्यूट्रॉन से क्रिया करवाई जा रही है तो इसकी वजह से क्या हो गया? इसने क्या निकाल दिया? बेरियम, एक क्या निकाल दिया? प्रोटॉन, और इसके साथ में दो न्यूट्रॉन। दो क्या निकाल दिए? न्यूट्रॉन निकल गए। न्यूट्रॉन, अब ये न्यूट्रॉन क्या करेंगे? अब ये न्यूट्रॉन क्या करेंगे देखिए, ये न्यूट्रॉन ये वाली पीढ़ी तो खत्म, ये प्रथम पीढ़ी थी। अब ये न्यूट्रॉन फिर से किससे क्रिया करेंगे? ये न्यूट्रॉन क्रिया करेंगे यूरेनियम 235 से पुनः। ये भी किससे क्रिया करेगा?
235 से क्रिया करेगा, ये भी यूरेनियम 235 से क्रिया करेगा, ये भी यूरेनियम 235 से क्रिया करेगा। साथ में क्या लिखेंगे, बेरियम क्रिप्टॉन दो न्यूट्रॉन, बेरियम क्रिप्टॉन दो न्यूट्रॉन, बेरियम क्रिप्टॉन दो न्यूट्रॉन, बेरियम क्रिप्टॉन और साथ में दो न्यूट्रॉन। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती जाएगी, पहले दो थे, चार हुए, आठ हुए, सोलह हो जाएंगे, बत्तीस हो जाएंगे। इस प्रकार से ये जो क्रिया है बढ़ती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, रुकी नहीं रही है। चेन रिएक्शन हो रही है, अब बताओ एक छोटा सा बॉन्ड छूटा था, लेकिन वो देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप से हाइड्रोजन ब्लास्ट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसकी कुछ वर्किंग है जो हम आपको लिखाएंगे, इसे नोट कर लो पहले। समझ में तो आ ही गया है आपके। यहाँ पर चार पीढ़ियां दिख रही है, पहली पीढ़ी में तो न्यूट्रॉन अकेला ही था, बाद में डबल हुए थे, चार गुना फिर आठ गुना, इस टाइप से आगे बढ़ता जा रहा है। नोट कीजिए, जो कि तीव्रगामी होते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि यदि न्यूट्रॉन नहीं होगा तो ये क्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो देखिए इसमें केवल दो न्यूट्रॉनों को ही, इसमें केवल दो न्यूट्रॉनों को ही श्रृंखला अभिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बताया गया है। देख रहे हैं ना, दो न्यूट्रॉन है आपके पास, तो श्रृंखला अभिक्रिया आसानी से आगे बढ़ रही है। यदि ये दो न्यूट्रॉन नहीं होंगे तो यह क्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। किसी अन्य यूरेनियम के द्वारा
ग्रहण किया जाना चाहिए। अब इस डायग्राम को बना लो। ठीक है, कि अगर इस क्रिया को हम आगे बढ़ाना चाहते हो कि आगे बढ़ती रहे, तो एक न्यूट्रॉन कम से कम एक न्यूट्रॉन अगले यूरेनियम से क्रिया करना चाहिए। अब देखो इसके अंदर एक वैल्यू दी हुई है, एक के वैल्यू दी हुई है, इसके बारे में हम अगली चर्चा करेंगे। उसमें आपको बताया गया है के गुणांक, न्यूट्रॉन गुणांक, इसको हम कैसे दिखाते हैं। न्यूट्रॉन गुणांक की बात करेंगे, इसे हम कैसे दिखाते हैं कि के की वैल्यू एक से ज्यादा है या एक से कम है या एक के बराबर है, तो क्या होगा। तो न्यूट्रॉन गुणांक वैल्यू डाल दीजिए और लिखिए इसके अंदर। बड़ा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। अब आपको क्या बताया गया था, आपको बताया गया था कि जो के का मान है वो कितना होता है, मतलब जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2.5। कितनी होती है, 2.5। यदि 2.5 है तो ठीक है, लेकिन यदि इसमें तीन चीजें दी गई हैं, पहला लिखिए यदि के का मान एक से कम है, ध्यान रखना यदि के का मान एक से कम है मतलब कि न्यूट्रॉन निकल ही नहीं रहे, तो इसको आगे चलाना मुश्किल हो जाएगा, आगे स्वतः नहीं बढ़ पाएगी और ये आगे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यदि के की वैल्यू एक से कम है तो ये क्या होगा, आगे बढ़ नहीं पाएगी, न्यूट्रॉन निकल ही नहीं रहे तो आगे कहां से बढ़ेगी ये क्रिया, और स्वतः ये आगे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कि एक से ज्यादा है तो ये अनियमित रूप से चलती रहेगी, अनियंत्रित प्रतिक्रिया हो जाएगी। k = 1 है तो इसको नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो लिखिए यदि k एक से कम है तो स्वयं उसी श्रृंखला अभिक्रिया संभव नहीं है। सेकेंड लिखिए यदि के एक से ज्यादा है तो अभिक्रिया दर तेजी से बढ़ेगी। नोट डालो, देखो परमाणु बम में ऐसे ही अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया वांछित होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु बम जो है वो कौन सी श्रृंखला पर आधारित है, आपको देना कि अनियमित श्रृंखला अभिक्रिया के इस गणितीय दर पर आधारित है। थर्ड, ये यदि के बराबर
यदि k बराबर 1 है तब अभिक्रिया स्वयंपोषी होगी, अभिक्रिया स्वयंपोषी होगी तथा यह नियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब आपके दो या तीन टॉपिक बचे हुए हैं, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।